जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। ईद वाले दिन जो है जड़ावाला में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि एक उसे आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की फ़िरका वरीयत की एक ये लहर है, जिस वजह से ये वाक़या पेश आया। और उस वाक़े की हकीकत क्या है, जिस वजह से दो अफराद का जो है ना कत्ल हो गया दिन दिहाड़े, और उसकी हकीकत क्या है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी जानकारी के मुताबिक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मालूमात जो भी मौसूल हुई है मुझे, हुआ ऐसा है कि ईद वाले दिन जो है अहले हदीस उलमा ने जब ईद की नमाज हो रही थी और खुतबा दिया, उन्होंने उस तकरीर में ये बात कही कि गैरुल्लाह के नाम पर कोई भी चीज़ कुर्बानी हो या कोई भी हो, गैरुल्लाह के नाम पर नजर व नियाज जो है ना वो देना वो हराम है। तो इस बात को सुना है अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों ने, और उन्होंने भी कोई आगे से बात कही है कि जी ये गैरुल्लाह के नाम से ये जो आपने तकरीर की है ये लिहाजा इससे हमारे जज्बात मजरूह हुए और हमारे कायद और नज़रियात को ठेस पहुंची है, हमने हर्ट फील किया, लिहाजा हम आपको चैलेंज देते हैं मनाजरे का। तो वो तकरीर जो है वो बात जो है वो मनाजरे तक जा पहुँची, जिस वजह से फिर अहले हदीस उन्होंने भी उस मनाजरे को उस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने ये बात कही कि ठीक है आप लोग आएँ, आपके साथ हम मनाजरा करते हैं। तो अपनी मस्जिद में अहले हदीस और ये जो दो भाई कत्ल हुए हैं ये मस्जिद में मौजूद थे, और दूसरे मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी भाई भी वहाँ पे फिर आए उनके पास। तो अभी वो बातचीत कर रहे थे तो वो आपस में उलझ गए, बात जो उलझन के बाद जो गुतम गुत्ता के बाद जनाब जो बरेलवी लोग थे, बरेलवी भाई थे, उनके साथ जो दो लोग और भी आए हुए थे, उन लोगों ने जनाब पिस्टल निकाले, उन्होंने फायरिंग की, और जिस वजह से अहले हदीस मकतबा फिगर के दो अफराद, दो भाई जो है वो वहीं मौके पे जो है ना उनको कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक बात है। फिर उसके बाद जो FIR कटी है वो जो एक वॉइस मैसेज जो है ना सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है, उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि उसे या तो फ़िरका वरीयत का रंग दिया जा रहा है या फिर उसे ज़ाती अना बना के उस केस को जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही है। जिनके कत्ल हुए हैं और वहाँ के जो अहले हदीस लोग थे उन लोगों ने भी एक बड़ा शिकवा किया कि हमारे पास कोई भी अहले हदीस का कोई भी आलम दीन हमारे पास नहीं पहुँचा। तो फिर मेरी लामा इब्तिसामला इरशाद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ पहुँच रहे हैं और 2 बजे के बाद नमाज़े दोहर के बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रॉपरली हम लोग जो है गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने ये कत्ल किया है और उनको फिलफौर जो है ना गिरफ़्तार किया जाए, नहीं तो ये हम लोग बहुत जो है क्या कहते हैं धरने देंगे पूरे पाकिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान की तो खैर उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, लेकिन जो मेरे पास वॉइस मैसेजेस और रिटर्न मैसेजेस जो पहुँचे उसमें यही था कि हम लोग धरने देंगे। और वैसे भी अखलाकी तौर पर भी अहले सुन्नत वल जमात के भी बड़े उलमा को भी इस मामले को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि कोई भी आने वाले दिनों में फ़िरका वरीयत की कोई लहर ऐसी ना हो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो अभी जो नेक्स्ट जो एक वॉइस मैसेज गर्दिश कर रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।